बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम डियर कोलीग्स टू दिस सेशन ऑफ लाइफ एट वी यू इस सेशन में हम डिफरेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं उसको डिस्कस करेंगे लेट अस नाउ सी द प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ लाइफ एट वी यू वी यू अपने टीचर्स के लिए अपने एडमिन स्टाफ के लिए अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए डिफरेंट को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक कम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम लाइफ एट वी के नाम से जानते हैं इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें स्टूडेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन है और फिर एंड पे हम एक गाला डिनर करते हैं स्टूडेंट स्पोर्ट्स वीक करते हैं और हम इन सब सोसाइटीज़ की वर्किंग को वहाँ डिस्प्ले करते हैं तो अगर आप वी की वेबसाइट पर जाइए ऑफिशियल वीयू की वेबसाइट पर तो आपको लाइफ एट वी का टैब नज़र आएगा इम्पोर्टेंट लिंक्स में आप इम्पोर्टेंट लिंक्स में जाएंगे यहाँ पे जाके आप मोर लिंक्स पे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक नया लैंडिंग पेज शुरू हो जाएगा इसमें आप लोग लाइफ एट वी को क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट सोसाइटीज़ जो वी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो आपके सामने आ जाएंगी हम ब्रीफली इसको देखते हैं डिटेल में आप लोग अपनी स्क्रीन पे इसको देख लीजिएगा आप लोगों की जहाँ जिस सोसाइटी में इंटरेस्ट हो आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ खुद को अलाइन करके उसके कन्वीनर के साथ उसके सेक्रेटरी के साथ रहा करके हर साल इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं पहली सोसाइटी जो इसमें है वो कैमरा क्लब है हर सोसाइटी का कुछ पर्पज़ इसमें दिया गया है उसका मिशन क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं या आप देख सकते हैं जो सोसाइटीज़ हमारी फंक्शनल हैं उनमें टीम भी इस टाइम एक्टिव है उनकी टीम के नाम भी अवेलेबल हैं कैमरा क्लब की सोसाइटी है दूसरे नंबर पे करेक्टर बिल्डिंग की सोसाइटी है इसमें भी हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सेमिनार्स इसमें इंगेज करते हैं हम करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से मॉरल एजुकेशन के हवाले से हम डिफरेंट सेलेब्रिटीज़ uh, को रिलीजियस क्लैरिक्स को डिफरेंट रिनाउंडसनैलिटीज़ को बुला सकते हैं हम करेक्टर बिल्डिंग के लिए डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं इसी तरह इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये उसकी एक्टिविटीज़ हैं आप इनको देख सकते हैं जिस सोसाइटी के साथ आप अलाइंस हों आप उसमें अपनी कॉन्सेंट दे सकते हैं कुछ सोसाइटीज़ तो वी ने खुद से डिजाइन की हैं कुछ सोसाइटीज़ हमें एचीसी की तरफ से कहा जाता है कुछ सोसाइटीज़ हमें मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी कोक्रिकुलर एक्टिविटीज में इन फंक्शंस को भी एडअप कीजिए एक और सोसाइटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिबेटिंग सोसाइटी है इसी तरह आप इस पर क्लिक करके इसको डिटेल में वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं हम डिफरेंट कम्पटिशन कराते हैं रीजनल लेवल पे प्रोविंशियल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे हर सोसाइटी के अपने कॉन्स्टिचुन हैं उसके अलावा हम उसमें अवार्ड्स भी देते हैं प्राइज भी देते हैं वो एनुलल शक्ल में भी हो सकते हैं वो बाई एनअल शक्ल में भी हो सकते हैं डवेलपर स्टूडेंट क्लब है ये आई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड है फ़ाइन आर्ट सोसाइटी है जो स्टूडेंट्स सोशल साइंसिस के या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स की फैकल्टी के हैं जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं आप एक्रैलिक पेंटिंग कर सकते हैं ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कई दफ़ा हम लोग इसमें एज जज कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कई दफ़ा हम लोग इसमें एज पार्टिसिपेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं आईटी क्लब आपके सामने है लिटरेरी क्लब आपके सामने है इसमें हम डिफरेंट मुशायरे भी करवा सकते हैं हम कोई सेलिब्रेशन के लिए हम इवेंट्स भी अरेंज करवा सकते हैं वी यू के अगर लोगों ने कोई इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन की हुई है जो किसी ख़ास सोसाइटी के साथ अलाइंट है तो हम उनको भी मौका देते हैं ताकि वो इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर आके रिप्रजेंटेशन कर सकें परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिसपे मैथ कॉम और सोशल साइंसिस के लोग हैं कोई ड्रामा स्क्रिप्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स इसमें ड्रामा पोइट्री और डिफरेंट चीज़ों को एक परफॉर्मिंग आर्ट के तहत डिस्प्ले कर सकते हैं उनकी प्रॉपर एक जुरी बैठती है वो डिसाइड करती है और फिर हम फंक्शन में उनको इन्वॉल्व करते हैं कोई सोसाइटी है हम स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोइि करते हैं कभी 14 अगस्त के मौके पे, कभी डिफेंस डे के मौके पे, कभी हम इस्लामिक अगर हमारे पास बारह रब्यलवर या इस तरह के कोई मुकदस अयाम आ जाएँ तो उनसे रिलेटेड भी हम कोइज कर सकते हैं स्पोर्ट सोसाइटी है टूरिज्म सोसाइटी है यूथ पार्लियामेंट है ये आप इन सोसाइटीज़ को डिटेल में देख सकते हैं ये आपको इस वक्त बताने का मकसद ये है कि जहाँ हम एकेडमिक प्लानिंग कर रहे हैं उसी में हम लाइफ एट व्यू को भी प्लान करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक हेल्दी माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी ज़रूरी है तो जिस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो न्यूट्रिशन पर फोकस करें अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाएं इसी तरह हम चाहते हैं कि वो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करें और एक कॉम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सोसाइटी बने जो किताबी तौर पे भी एफिशिएंट हो जो सोशल तौर पे भी एफिशिएंट हो जो हेल्थ वाइज भी एफिशिएंट हो तभी वो सोसाइटी में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है बहन ही इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन सोसाइटीज़ का हिस्सा बने एक्टिवली अपनी एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ अपनी सोशल स्किल्स को इन्हेंस कीजिए अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इनहेंस कीजिए और एक कॉम्पैक्ट टीचर बनिए थैंक यू वेरी मच